नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज चर्चा करेंगे राम पर राजनीति की। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में भगवान राम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। प्रदेश की सरकार रामायण महोत्सव का आयोजन कराने जा रही है तो विपक्ष में बैठी बीजेपी ने कांग्रेस पर राक्षस प्रवृत्ति का आरोप लगाया। इस कांग्रेस आपको बता दें, कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी ने 15 साल में राम के नाम पर राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं किया। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में राम नाम का असर खूब देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार प्रदेश में 3 दिवसीय रामायण महोत्सव कराने जा रही है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को राम के नाम पर घेरने में लगी है। प्रदेश में कल से रामायण महोत्सव शुरू होने जा रहा है जिसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। जहां बीजेपी राम को धर्म को आस्था का केंद्र बताकर लोगों के बीच जाती है तो वहीं कांग्रेस भी लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व जैसे मसलों पर बात करती दिख रही है। दोनों ही पार्टियां धर्म को अपने अपने तरीके से लेकर चल रही हैं। चाहे वो केंद्र में राम जन्मभूमि की बात हो या फिर प्रदेश में राम वनगमन परिपथ की बात हो, केंद्र के राम जन्मभूमि के लोकार्पण की तारीख के पहले ही प्रदेश में लगभग 7 जगहों पर राम वनगमन का काम पूरा होता दिख रहा है। दरअसल प्रदेश में 1 जून से 3 जून तक चलने वाले रामायण महोत्सव के लिए बीजेपी कांग्रेस लगातार आमने सामने दिख रही है। बीजेपी के पूर्व मंत्री विधायक अजय चंद्राकर ने महोत्सव को लेकर तंज कसते हुए कांग्रेस पर राक्षसी प्रवृत्ति के होने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह अरण्य कांड में राक्षसों और उनकी 14,000 सेनाओं की हत्या की गई थी, इसी तरह चुनाव में कांग्रेस का वध सुनिश्चित है। रामायण को बार बार ये बोल रहे हैं कि अरण्य कांड पर आधारित होगा। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा तो विधानसभा में मैंने कहा था कि अरण्य कांड के 4 पंक्तियां लिख देते करके। तो अरण्य कांड में 2 घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नौधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारिच सुबाहु त्रिसरा कबंद विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्य कांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है इस चुनाव में। तो वही बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने बीजेपी को राक्षसी प्रवृत्ति का बताते हुए कहा कि वह स्वयं इस प्रवृत्ति के हैं, इसलिए उन्हें अरण्य कांड में भी राक्षसी प्रवृत्ति ही दिख रही है। बीजेपी को पीड़ा इस बात से है कि उन्होंने 15 साल राम के नाम पर राजनीति की और अब काम सारे भूपेश बघेल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दरअसल राक्षसी प्रवृत्ति के हैं तो उन्हें राक्षसों का ही अशुगान दिखता है, लेकिन अरण्य कांड के सुंदर प्रसंग, पावन प्रसंग उन्हें समझ नहीं आता। अरण्य कांड युवा कांड है जहाँ पे भगवान राम ने अपने वन गमन के समय दंडकारण्य अर्थात छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था, ये सब नहीं दिखता अजय चंद्राकर जी को। इनको पीड़ा इस बात की है कि 15 साल तक इन्होंने राम के नाम पर राजनीति की और राम काज भूपेश बघेल कर रहे हैं। राम के नाम पर वोट इन्होंने हासिल किया, राम वनगमन पथ भूपेश बघेल बना रहे हैं, इस बात की पीड़ा है। इसी बौखलाहट में इस प्रकार की बयानबाजी। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि छत्तीसगढ़ में राम के मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने वाली ये राजनीतिक पार्टी कितनी प्रदेश में राम राज ला पाती है। फिलहाल राम वन पथ गमन और रामायण महोत्सव के माध्यम से कांग्रेस ने बीजेपी का एक मुद्दा लोगों तक पहुंचाने के लिए कम कर दिया है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से स्वाति रविकांत कौशिक की रिपोर्ट। इस मसले पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, लक्ष्मी वर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर अजय चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में भाग लेने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मेरा सवाल लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी, कांग्रेस के नेताओं की तुलना राक्षसों से करना कहां तक जायज है? क्या ये आपकी पार्टी के संस्कार है? लक्ष्मी जी, प्रकार से मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को ही नकारा था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, और ये किस मुंह से छत्तीसगढ़ में जो वोट की राजनीति के लिए राम का नाम ले रहे हैं, ये एक सोचनीय विषय है जी। इतने सालों तक राम मंदिर जो है
वो पड़ा रहा काम, लेकिन कभी इन्होंने राम की सुध नहीं ली। लेकिन वोट की राजनीति के कारण ये आज छत्तीसगढ़ में जो राम नाम जप रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है। और आने वाले समय में ये भारत के लोगों का आस्था राम से जुड़ा हुआ है, राम नाम से जुड़ा हुआ है। हमारा जो धर्म और संस्कृति संस्कार है, उसके जो पात्र हैं वो राम है। लेकिन कांग्रेस जो है हमेशा से ये राम को कभी माने नहीं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको अगर राम नाम लेना छत्तीसगढ़ के लोगों को सिखाना है, तो पहले अपने घर से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि उनके पिता के द्वारा लगातार जिस प्रकार से जो बातें रखी गई है और वीडियो भी वायरल हुआ है। राम नाम पर किसी का पेटेंट थोड़ी ना है कि सिर्फ राम की राजनीति या राम नाम पर कुछ भी करना है तो बीजेपी ही करेगी, कांग्रेस भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल करना भी चाहिए, और ये बिल्कुल भले वोट के लिए ही ले हो, लेकिन कम से कम भगवान राम को माने तो और उनको स्वीकार तो किए। ये चीज बड़ी बात है कि भले ही इन्होंने छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक कहना चाहिए प्रतिष्ठा बचाने के लिए, कम से कम भगवान राम ने इनको रास्ता दिखाया है, मैं ये कहना चाहती हूँ। जी ठीक है। सुरेन जी, आपकी पार्टी राम मंदिर को लेकर जो स्टैंड था वो पूरी दुनिया जानती है कि कोर्ट के जरिए फैसला हुआ, फिर राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, लेकिन बीते 3 साल में आपकी सरकार ने जो काम किया है उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सिर्फ आप वोट के लिए किया है आपने जो भी किया है। विजेंद्र जी समय दीजिएगा, ये मिथ्या आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र बन गया है। अजय चंद्राकर जैसे वरिष्ठ विधायक भाजपा क्लियर नहीं आ रही है, खुद ज्ञान का अजीर्ण जो है। विजेंद्र जी जी बोलिए सर। विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के थोथे ज्ञान का अजीर्ण हो रहा है। जिस प्रकार से राजनीतिक पाखंड एक बार फिर से उजागर हुआ है, राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी का, 15 साल इनको अवसर मिला था रामकाज करने का, 75 स्थल चिन्हित है राम वन गमन पथ के, महाकौशल का दुनिया का एकमात्र मंदिर जो है चंदखुरी में है, जो राजधानी से 27 किलोमीटर की दूरी पर, बताए साहब मोहन सिंह जी एक बार गए हो तो। और बार बार ये वाजपेयी बोलते हैं कांग्रेस ने नकारा है राम सेतु के अस्तित्व को। मैं ये तथ्यों के साथ, ये बीबीसी का और नवभारत टाइम्स का ये खबर है जिसमें तत्कालीन अटल सरकार में जहाजरानी मंत्री टीआर बालू और उमा भारती और सुब्रमण्यम स्वामी ने बकायदा पत्रकार वार्ता लेके ये आरोप लगाया था, कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी लाल नडवाणी देश की जनता से माफी मांगे। जो एडम ब्रिज उसने कहा था उसको तोड़ने का पहला प्रस्ताव कहीं आया तो वो अटल सरकार है। दूसरी बात, जो वर्तमान में मोदी सरकार है, जो हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं, ये दिखा दीजिए इनको। ये दिसंबर 2022 का रिपोर्ट है, राज्यसभा जो उच्च सदन होता है देश का, भाजपा के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह स्पष्ट रूप से कहा जी कि ये पुल के अवशेष नहीं कहे जा सकते, तो ये इनका चरित्र है, इनका दो चरित्र है। वही जो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस ने क्या कहा था, कांग्रेस में तत्कालीन जो कपिल सिब्बल जी थे उन्होंने पुरातत्व विभाग का पक्ष रखते हुए जो पुरातत्व की रिपोर्ट थी कि ये सेतु प्राकृतिक उत्पत्ति है, जिसका इन ढोंगी पाखंडियों ने विरोध किया और वो शपथ पत्र भी तत्कालीन यूपीए की सरकार ने वापस ले लिया था। तो ये भाजपाई अपने पाप याद आ रहे हैं, ये तमाम प्रकरण हैं इसी छत्तीसगढ़ में। पहले जो है 1400 करोड़ का ये राम मंदिर का चंदा खा गए, जो 90 से 94 के बीच में वसूला गया था। ये मेरा आरोप नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद का आरोप है। उसके बाद में चंपत राय और भाजपा नेताओं के चरित्र को देश की जनता ने देखा, 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के भीतर 18 करोड़, 18.5 करोड़। छत्तीसगढ़ के प्रकरण भी है जहां 10 रुपए की रसीद देकर 51 रुपए वसूलते थे। बिलासपुर में FIR हुआ, मंदिर अशोक में इन भाजपाइयों पे FIR हुआ। तो ये इनको अपने पाप याद आ रहे हैं। और असुरी चरित्र दो, जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो भाजपाइयों की है, अरण्य कांड ठीक है सुरेन भाई आऊंगा आपके पास, कांड है जिसमें माता अनुसैया लक्ष्मी मैया है, माता अनुसैया का चरित्र है, सबरी माता का वर्णन है, नारद राम का पहला संवाद है उसमें, जो राम सुग्रीव का भेंट है उसमें। तो वाजपेयियों को राक्षसी प्रवृत्ति याद आ रहा है, तो तुलसीदास जी ने शायद इन्हीं के लिए लिखा था
कि जारी रही होना जारी प्रभु मूर्ति तैसी, तो इन सुरेंद्र जी आऊंगा मैं अजय जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अजय जी आप कैसे देखते हैं अजय चंद्राकर का जो बयान है कितना सही है? ऐसे मौके पर एक जब बड़ा इवेंट होने जा रहा है, रामायण महोत्सव हो रहा है, सरकार की तारीफ हो रही है, ऐसे में सिर्फ मीन मेक निकालने के लिए या सिर्फ विरोध करने के लिए इस तरह के बयान देना कहां तक जायज है? अगर आप सांस्कृतिक साहित्य के रूप में देखेंगे तो सांस्कृतिक साहित्य में एक विधा है आलोचना की जी, लेकिन राजनीतिक रूप से आप देखेंगे तो फिर इनके बारे में दोनों स्नेहिल प्रवक्ता लोग अपना स्टेटमेंट दिए हैं जी। प्रश्न ये है, सुरेंद्र जी अभी एक बढ़िया बात बोले थे, भारत को पढ़ने दो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो समझेगा इंडिया, समझेगा इंडिया तभी तो कुछ बुझेगा इंडिया। भारत में 300 रामायण है विजेंद्र जी जी, और एक रामानुज की किताब है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिसे पढ़ाई जाती थी। इसमें बौद्धिस्टों का रामायण अलग है, जैनों का रामायण अलग है, वाल्मीकि रामायण अलग है, पेरियार का सच्ची रामायण भी अलग है, और तुलसीदास जी का भी रामायण है और बहुत ही प्रीतिकर है, बहुत ही प्रीतिकर। अब इतिहास में हम देखेंगे तो इतिहास में पहले 6वीं शताब्दी से लेकर के जो दौर चला वो बुद्धिस्टों का था, वो तर्क का था, विवेक का था, विज्ञान का था जी। उसके दो नाथ संप्रदाय आए, उसके बाद भक्ति काल आया है जिसमें ये गुरु नानक जी हैं, रैदास हैं, कबीर हैं, दादू हैं इत्यादि, उसके बाद तुलसीदास जी का जिक्र आया है। और तुलसीदास जी वो राम के सबसे बड़े बड़े भक्त, और वो स्वयं कहते हैं मांग के खैबो और मस्जिद में सोइबो, लेने को एक न देने को दो, जो स्वयं मस्जिद में सोने की बात कर रहे हैं। और राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर हमारे देश की राजनीति किधर जा रही है, ये है स्वयं तुलसीदास जी अपने पद में कहते जी। मूल बात यह है कि किस रामायण की आप बात कर रहे हैं, तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से उसके ऊपर राम मनोहर लोहिया जी भी रामायण मेला लगाते थे विजेंद्र जी, और सभी भाषाओं के रामायण का वहां मेला लगता था, और वो ये बोलते थे राम मनोहर लोहिया जी कि यह सांस्कृतिक प्रतीक है भारत के लिए, जिसमें सभी भाषाओं को हम महत्व दे रहे हैं और सबके विचारों को सुन रहे हैं। तुलसीदास जी जब रामायण को लिखे तो वो उस समय के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यशपाल जी, अनेक लोग थे जो विरोध किए, वो देववाणी संस्कृत में था, उसको वो जिस तरह से आम लोगों तक पहुंचाए हैं वंडरफुल है जी। लक्ष्मी जी 15 साल आपकी सरकार रही छत्तीसगढ़ में, राम गमन पथ जो है वो भूपेश सरकार ने बनाया है, आप राम नाम की राजनीति करते हैं लेकिन आपने छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि राम भक्त खुश हो। भारतीय जनता पार्टी राम नाम की राजनीति नहीं करती है, हमारे एजेंडे में स्पष्ट रूप से जो हमारे भारत की संस्कृति संस्कार है वो हिंदुत्व पे टिकी है, हमने उस एजेंडे को लेके पूरा जीवन संघर्ष किया और आज इस देश की जनता ने स्वीकारा है। मैं सुरेंद्र जी को बता देना चाहती हूँ कि जो भारत आजादी के बाद जो अलग हुआ उसको धर्म के आधार पे बांटने वाले जो इनके पुरोधा हैं, जिनके परिवार के नाम आज तक ये कांग्रेस पार्टी जपती आ रही है, इनको बताना चाहिए हमारे भारत जैसे लोकतंत्र में किसी धर्म और संप्रदाय के लिए कोई, हमारे जो संविधान है वो भेदभाव नहीं करता, लेकिन कांग्रेस के राजनीति के लोगों ने इस देश को बांटा है, इस देश की धर्म और संस्कृति को खत्म करने का काम किया है और उसको पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्द जी। ठीक है सुरेंद्र जी, तमाम आरोप आपकी पार्टी पर लगाए, जवाब दीजिए सर। विजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसका असर है, ये पढ़ा लिखा करें। देश में द्विराज सिद्धांत की पहली थ्योरी यदि किसी ने की है
यदि धर्म के आधार पर देश को बांटने का विचार पहली बार किसी ने प्रसारित किया है वो सावरकर थे 1927 में अहमदाबाद अधिवेशन। पढ़ लीजिए, विनम्रता पूर्वक निवेदन है, ये मुस्लिम लीग के साथ में बंगाल और बिहार में अंतरिम सरकार बने, इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री बने, उसके पहले अंग्रेजों ने कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया और उसके बाद वो जो मुस्लिम लीग है वो उसी रास्ते पर चली। अंग्रेजों के जो बांटने और काटने की नीति है विजेंद्र जी, उसी के लिए ये गुर्गे थे सावरकर, और इनको इनको इतिहास पढ़ लेना चाहिए। अहमदाबाद अधिवेशन आज भी लिखित रूप से सावरकर की किताब में मिल जाएगा इनको। और ये हिंदुत्व की बात करते हैं जी, क्या आज छत्तीसगढ़ की सरकार जवाहर जी आजीवन पंडित नेहरू कहलाए, इंदिरा जी ने आजीवन राष्ट्र धारण किया 1986 में, सुन लीजिए 1986 में राजीव गांधी जी ने राम मंदिर ताला खुलवाया, पूजा अर्चना चालू करवाई। राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा में प्रत्येक धर्म स्थल पर गए पूजा अर्चना की। तो ये कालनेमी के अनुयायी कालनेमी के रूप में ये भाजपा ही धर्म से भाग को लड़ाने वाले अडवाणी जी की जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर जो रथ यात्रा निकाली 5000 लोगों से हो गई, जिसके जिम्मेदार ये भाजपा ही है। और इनको बात नहीं हो रही, वीरेंद्र जी चुप कराए इनको, संस्कृति संस्कार को बनाए रखने का काम नहीं किया है। में बोलिए प्रदेश की जनता हजारों साल से गांव के रामायण की गाथा काफी आई है। सुरेंद्र जी आप उस जीत को स्वीकार करिए, वोट की राजनीति के कारण मैं स्वराज आपने जो लिया आपके जो आपके माफी मांगी है निश्चित रूप से, 60 रुपए का भारी रकम पेंशन लिया, दूसरा क्रांतिकारी इतिहास में तो बताइए किस बात की पेंशन दिया करते थे अंग्रेज लोग उस सावरकर को, क्योंकि ये इनके बांटने और काटने की नीति पर चलते थे, वो भाई को भाई से लड़ाने वाली नीति पर चलते थे। और पहला द्विराज सिद्धांत धर्म के आधार पर किसी ने दिया तो वो सावरकर थे, जो इनके आज ठीक है ठीक है आएंगे आएंगे आपके पास आएंगे जी। सुरेंद्र जी आऊंगा आपके पास में आऊंगा जी। लक्ष्मी जी सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी तो जो है वो सावरकर जी की थी, उसके चलते ये सारी स्थिति निर्मित हुई है, सारी चीजें डिले हुई है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। ये तो कांग्रेस की जो ओछी मानसिकता है उसका परिचायक है। देश में जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई में उनका समर्पण रहा है, इस देश की संस्कृति और संस्कार को बचाने में जो उनकी भूमिका रही है उसको नकारने वाले जो कांग्रेस के लोग हैं, ये कभी छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये देश का हित नहीं चाहते हैं। इन्होंने हमेशा अलगाववाद की राजनीति की है और मानसिकता से 2014 से पहले का कुछ नहीं दिखेगा इनको, किस बात का पेंशन देते थे। जी आऊंगा आपके पास, लक्ष्मी जी को बोलो दीजिए सर की तनख्वाह 20 आऊंगा आपके पास, सावरकर को 60 रुपए का भारी बटन अकेले बैठा दीजिए डिबेट में, क्यों सुरेश जी आऊंगा आपके पास, लक्ष्मी जी को बोलो दीजिए, लक्ष्मी जी जी लक्ष्मी जी अगर राम की बात अगर कांग्रेस सरकार कर रही है तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको तो समर्थन देना चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो ठीक करते हैं। अजय जी राम की सब बात करते हैं, राम राज की कोई बात नहीं करता है। बिल्कुल विजेंद्र जी, एक्चुअली भारतीय राजनीति में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, खासतौर से 11 तारीख को पटना में जो विपक्षी पार्टियों की बैठक आयोजित है, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज राहुल गांधी जी जो अमेरिका में जो बात की है जातिगत जनगणना की बात की है जी, और यहां तक की है कि अगर उनकी सरकार आती है तो यूपीए के गवर्नमेंट के समय जो जाति जनगणना हुई थी उसको हम सार्वजनिक करेंगे। एक तरफ एससी, एक तरफ एसटी, एक तरफ माइनॉरिटी की राजनीति में उथल पुथल है जी, बच गया ओबीसी और उच्च वर्ग की राजनीति, तो इसको साधने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टियां और कांग्रेस जहां तक बात है
तो काफी लंबा इतिहास है। लेकिन लेटेस्ट हम लें विजेंद्र जी, तो वर्धा में कांग्रेस के एक वर्कशॉप में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जी जो भाषण दिए थे, वहां से कांग्रेस की राजनीति, ये जो रिलीजन में उसको एक शब्द बोले थे विचार और वैचारिकी, वहां से ये भी अपने बातों को रखना आरंभ की है। अब भूपेश बघेल जी की सरकार अपने कार्यकाल में इस चीज को इंप्लीमेंट की है। तो यहां पर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लगता है कि ये जो वर्ग है ओबीसी वर्ग या फिर राम भक्त जो वर्ग है, काफी बड़ा वर्ग है, और एक प्रकार से सांस्कृतिक एक प्रकार से, क्योंकि रायगढ़ को चुना गया है, रायगढ़ वो साहित्यिक जमीन है विजेंद्र जी, जहां बड़े बड़े कवि हमेशा से आते रहे हैं और साहित्य की दुनिया में कविताओं की वहां जो श्रृंखला वहां के नागरिकों को सुनने को मिला है, वो स्पॉट मिला जवाब। तो प्रश्न यह है, संशय तो किसी भी रूप में किया जा सकता है। राम, राम के बारे में बात करते हैं, एक राम तो भाई दशरथ का बेटा है, एक राम घर घर में लेटा है, एक राम सकल पधारा है और एक राम जग से न्यारा है। सबके अपने अपने राम है, अपनी अपनी आराधना की पद्धति है। ठीक है, ठीक है, लक्ष्मी जी जुड़ गए हमारे साथ, उनका रुख करूंगा। लक्ष्मी जी, चंद्राकर जी ने बोला है कि इस तरह चुनाव में कांग्रेस का वध सुनिश्चित है, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कहां तक जायज है? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, सुरेंद्र जी कैसे देखते हैं इस इतना निचला स्तर राजनीति का कि ये कहना कि कांग्रेस का वध सुनिश्चित है? विजेंद्र जी, बेहद निंदनीय है, आपत्तिजनक है और इससे भारतीय जनता पार्टी के असल एजेंडे का पहचान होता है। जिस प्रकार से ये सत्ता की हवस में नफरत, हिंसा, उन्माद और हत्या तक उतर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की असली हकीकत है। गांधीवाद क्या होता है और गांधी दर्शन क्या होते हैं विजेंद्र जी, जो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने करके दिखाया है। गौ सेवा हो रहे हैं गौठानों के माध्यम से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरी है, आज जो गौशालयों को वहां पर औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से किसानों में समृद्धि आई है, वनोपज संग्राहकों में समृद्धि आई है, सीधे तौर पर उनकी मदद हो रही है, वही 15 साल इनके समय में आपने देखा होगा, मैंने तो कहा ना। और वही दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार है, रामायण सर्किट है ना, कौशल्या का एकमात्र मंदिर जो है देश का वो छत्तीसगढ़ में है, वो रामायण सर्किट में केंद्र सरकार के में शामिल नहीं है। 75 स्थल चिन्हित है, उत्तर में कोरिया जिले में सीतामढ़ी हर चौका से दक्षिण में सुकमा जिले तक रामाराम तक 75 स्थल है, एक भी स्थान ये छत्तीसगढ़ की उपेक्षा का प्रमाण है इन भाजपाइयों का। 9 निकम में सांसद है भाजपा के लोकसभा में, किसी ने बात रखी होगी छत्तीसगढ़ के हित और अधिकार की? तो ये बताए, तो ये अंतर है। देश में 2 विचारधाराएं चल रही है विजेंद्र जी, एक गांधी जी की जिसमें गौ सेवा हो रही है, जिसमें ग्रामीणों की समृद्धि हो रही है, दूसरी गौरसेवादियों की जिनके गुरु सावरकर और गौरसे जो नफरत फैला रहे हैं, जो हत्या की बात करते हैं, जो हिंसा की बात करते हैं, जो उन्माद फैलाने की बात करते हैं, और लगातार इनका हिंसक चरित्र जो है वो सामने आया है, चाहे कवर्धा हो, नारायणपुर हो, बीरनपुर हो, एक भी भाजपाई शांति की अपील करता नहीं दिखेगा। ये केवल दंगे भड़काने वाले लोग हैं, ये हिंसा भड़काकर राजनीतिक जमीन तैयार करने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ अजय जी, एक तरफ बीजेपी है जिसकी राजनीति 2 से 80 तक राम नाम के सहारे पहुंची, अभी 302 तक पहुंची है लोकसभा में, वो भी राम नाम का सहारा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 71 विधायकों वाली कांग्रेस को राम नाम की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए विजेंद्र जी, राम छत्तीसगढ़ के मसले के ऊपर जो ऐतिहासिक यहाँ के संदर्भ और प्रसंग है जी, तो यहाँ के वे ऑफ लाइफ में है, और यहां पर ये नहीं कह सकते कि कभी आप 2003 से लेकर के वोटिंग बिहेवियर देखिएगा काफी कड़ा मुकाबला रहा है, लेकिन राम वे ऑफ लाइफ में, और बहुत अच्छी बात यह रही है छत्तीसगढ़ में जी, कि एससी समुदाय के लोग भी, एसटी समुदाय के लोग भी, ओबीसी भी, वैश्य समाज, ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, राम के मसले के ऊपर उनके ऐसे जीवन दर्शन में वो शामिल है
कि एक गांव में मान लो 20 किलोमीटर दूर कोई आयोजन हो रहा है तो वहां लोग बाग जाते हैं, सभी वर्ग सभी समुदाय के लोग, यहाँ की सामाजिक समरसता काबिले तारीफ रख रही है। एक दो की कमी है सर, शॉर्ट में मूल बात यह है कि निश्चित रूप से जिस तरह से चंदखुरी में जिस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है उसका विस्तार किया गया है और सांस्कृतिक रूप से अन्य जो धरोहर है उसमें भी सरकार काम कर रही है, लेकिन एक प्रश्न उत्पन्न होता है विजेंद्र जी जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग सांस्कृतिक महत्व के ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा है जी, लेकिन एक महीन बारीक रेखा भी है संविधान का आर्टिकल 27, उसका भी अध्ययन करते हुए राज्य के नागरिकों के लिए सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाया जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लक्ष्मी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, इस लूट का फायदा राजनीतिक दल अपने हिसाब से उठाते रहते हैं लेकिन अपने आचरण में भगवान राम को आत्मसात करने की जहमत कोई नहीं उठाता, जिसकी देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। चर्चा में आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, नमस्कार।